राजधानी शिमला के लोकल बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और यही कारण है कि अब लोकल बस स्टैंड के ऊपर जो वाहनों की आवाजाही है वो अब एक एक करके वाहनों को यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। हालांकि कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर चला हुआ था और वॉल लगाई जा रही थी, दीवार लगाई जा रही थी कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद, लेकिन क्योंकि काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया था, और ये आप देख सकते हैं जो बाकी भी वॉल बची हुई है वो लटकी हुई है, और ये भी कभी भी गिर सकती है अगर तेज़ बारिश होती है, जिस प्रकार के अनुमान भी आज है बारिश का। और अगर ऐसी बारिश होती है तो फिर जो बची हुई दीवार है ये भी गिरने का खतरा बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पर गुरुद्वारे के बिल्कुल समीप में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये दीवार गिरी हुई है, और अभी एक एक करके वाहनों को यहाँ से निकाला जाता है। हालांकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वाहनों की आवाजाही यहाँ अधिक होगी और ख़तरा रहेगा, फिर ट्रैफिक जाम का अंदेशा यहाँ पर ज़रूर जताया जा सकता है। और ये करीब 9:30 बजे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मलबा गिरा है लैंडस्लाइड का, काफ़ी संख्या में। और अब ये जो बची हुई स्पेस है ये भी दीवार है, ये देख सकते हैं आप, ये टूटने के कगार पर यहाँ पर है। कभी भी बारिश के बाद ये जो दीवार है, क्योंकि हवा में टंगी हुई है पूरी तरह से, ये भी गिर सकती है। और साथ में जहाँ पर तरपाल कवर किया गया है यहाँ पर क्रैक्स आए हुए हैं, यहाँ पर भी बाकी सड़क का हिस्सा है, इसके गिरने का खतरा बना हुआ है। और अगर आज मौसम की बात करें तो ज़रूर आसमान में बादल छाए हुए हैं और आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भी है, और लग भी रहा है कि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि बारिश आज भी होती है, और अगर ऐसे में तेज़ बारिश होती है तो फिर जो बचा हुआ हिस्सा है ये भी गिर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर शिमला वासियों को ज़रूर दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। जो राजधानी शिमला में बाहर से लोग आएंगे उनको भी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जो लोकल शिमला को कनेक्ट करने वाला सर्कुलर रोड है यहाँ पर वाहनों की आवाजाही बंद हो जाएगी। अब सड़क का दृश्य भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वाहनों को निकाला जा रहा है। रात से ही यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहन आएंगे तो फिर ज़रूर दिक्कत हो सकती है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहन फंस सकते हैं, ट्रैफिक जाम लग सकता है। और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से क्रैक्स जो बाकी हिस्सा है उसमें भी आए हैं, और ये जो दीवार है अब देखना होगा कि कब तक ये भार सह पाती है, या फिर क्योंकि आजकल के दिनों में कंस्ट्रक्शन वर्क करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है जिस प्रकार से लगातार बारिश चली हुई है, तो ऐसे में जो बाकी हिस्सा भी है जहाँ पर आप देख सकते हैं लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर भी खतरा बना हुआ है, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो सकता है, तो काफ़ी मुश्किल अब आने वाले दिनों में हो सकती है शहरवासियों के लिए जब तक यहाँ पर रिटेनिंग वॉल ये नहीं लग पाती है। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये शायद अगर थोड़े समय पहले शुरू कर दिया होता या रिटेनिंग वॉल थोड़ा समय पहले लग गई होती तो शायद आज ये दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन अब बारिश के बाद देर शाम को रात को ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, और इसके कारण जो शिमला में ट्रैफिक की दिक्कत है वो अब ज़रूर शहरवासियों को झेलनी पड़ सकती है लंबे समय तक, जब तक यहाँ पर रिटेनिंग वॉल नहीं लगती है। और अगर जैसा मौसम विज्ञान का प्रेडिक्शन है आने वाले 4 से 5 दिन भारी बारिश पूरे प्रदेश में होने वाली है, ऐसी स्थिति में कब तक यहाँ पर रिटेनिंग वॉल लगती है या फिर जो बचा हुआ दीवार का हिस्सा है क्या ये रुक पाता है, ये भी बड़ा सवाल अब सामने है। अब ऊपर से आपको सड़क का दृश्य भी अब यहाँ पर हम दिखाएं।